हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग न्यू वीडियो में और रीना यादव यादव चैनल में। और अभी शाम के हो रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, छत के ऊपर आए हैं। मौसम आज थोड़ा बारिश का माहौल बना है, आप लोग देख सकते हैं। छत पे आए थे, ब्लॉग काफ़ी दिन से नहीं बनाए थे, हम सोचे थोड़ा ब्लॉगिंग करते हैं। आप लोग कैसे हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोगों से कई लोग कमेंट मेरे लाइव में करते हैं कि भाभी आप सुबह 8 बजे लाइव आ जाती हैं, काम कैसे करती हैं, आपको टाइम मिल जाता है? तो सब लोगों को पता है मेरा टाइम जो है लाइव का टाइम है सुबह 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे, उतना ही टाइम। और टाइम मिलता है तो जल्दी भी लाइव आ जाते हैं। पर कई लोगों का ये कमेंट रहता है कि भाभी आपके पास टाइम मिलता है तो आप लोगों को बता दें, चाहे भैया हो या बहनी हो, दोनों लोगों को बता दें कि भगवान हमें भी 24 घंटा दिए हैं, आपको भी 24 घंटा दिए हैं। और उस 24 घंटे को चाहे हम यूज़ करके गंवा दें या मिस यूज करके गंवा दें, जो टाइम है घड़ी की, तो दोस्तों जो घड़ी की टाइम है वो घड़ी चलता ही रहेगा। आप काम करिए या ना करिए, आप समय को यूज करिए या ना करिए, तो उसी में से हम भी टाइम निकालते हैं। ठीक है, आप लोगों को बता दें, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, इसके बाद भगवान का पूजा पाठ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही घर में अकेले हैं, घर में और सारे लोग हैं। जब तक हम पूजा पाठ करते हैं, नहाते धोते हैं, कपड़ा धुलते हैं, तब तक दाल चावल बन जाता है, सब्जी भी बन जाती है और आटा गूंथा हुआ रहता है। सिर्फ हमको सुबह रोटी बनाना होता है। इसके बाद रोटी बनाने के बाद जो काम होता है, झाड़ू पोछा हम करते हैं, तो उसी बीच हमें टाइम मिल जाता है, लाइव आते हैं। और शाम को जो है, शाम को पूरा टाइम किचन में हम देते हैं, क्योंकि शाम को टाइम मिलता है। सुबह देख, हम कुछ करें या ना करें, पर हमें सुबह बिना भोलेनाथ का नाम लिए हम चाय भी नहीं पीते हैं। इसलिए सुबह हम किसी को चाय मिले ना मिले, कुछ हो या ना हो, पहले हम नहा के पहले भोलेनाथ का अपने पूजा करेंगे। और सारे लोगों का फोटो है हमारे घर में, तो पहले पूजा भगवान का करेंगे तभी हम और काम करते हैं। तो पूजा वूजा करते हैं तब तक, क्योंकि इतना जल्दी खाना क्यों बन जाता है, घर में और लोग हैं, देवरानी है, जेठानी है, बनाती हैं, इसलिए जल्दी बन जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो ड्यूटी वाले हैं वो 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, लेटेस्ट 8 बजे चले जाते हैं। अगर कितना भी लेट हो, 8 बजे वो अपने जॉब पर निकल जाएंगे, तो इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। तो इसी में से हम टाइम निकालते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी आप वीडियो बनाने लगी। हाँ जी, हम वीडियो बनाने लगे। वीडियो इसलिए बनाने लगे क्योंकि गांव का जो है सब कुछ आप लोग जानती ही हैं, आप लोग जानते ही हैं। किसी के पास बैठिए, किसी चार लोगों के पास बैठिए और चार तरीके की बात करेंगी, पता चला मुँह से कुछ किसी के बारे में निकल गया, कल को कोई बात हुआ था, अरे वही फलाने भी की औरत, फलाने की बीवी थी, फलाने की औरत थी, फलाने की बहू थी। तो इसी चीज़, ये सब चीज़ में इंटरेस्ट मेरा नहीं है कि किसी के बारे में हम बुराई करें या चार लोगों के बीच में बैठ के किसी की चर्चा करें। तो चार बैठिए, चार लोगों के बीच में चार लोगों की बुराई करिए, क्या मतलब है? इससे अच्छा है कि अपना, इसीलिए हम वीडियो बनाने लगे कि अपने वीडियो में हम खोए रहते हैं अपने मोबाइल में। हम बच्चों को नहा धो के आएंगे, पूजा पाठ करके बच्चों को तैयार कर देंगे, उनका टिफिन लगा देंगे, बच्चे लोग स्कूल चले जाएंगे, तो खाली ही बैठते हैं। चूल्हा चौका करने के बाद घर में खाली बैठते हैं तो क्या करेंगे, यही थोड़ा वीडियो वीडियो बनाते हैं। और वीडियो बनाने लगे तो आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल गया, इसलिए हम वीडियो बनाने लगे। अगर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद सपोर्ट ना मिलता तो शायद हो सकता था बंद कर सकते थे, पर यूट्यूब छोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता है। और लाइव में जब आते हैं मेरे भैया लोग हैं, बहुत सारे अच्छे भैया लोग हैं जो कि बहुत सारा फैमिली जैसा प्यार देते हैं। और मेरी सिस्टर लोग हैं, जैसे पूनम दीदी हमारी हो गई और एक सुनीता दीदी हो गई, बहुत सारे लोग हैं, क्या बताएं। अब जितने लोग मेरे लाइव में आते हैं, बहुत सारे लोग अच्छी बात करते हैं, गलत कमेंट कोई नहीं करता, हमें खुशी इस बात की होती है। तो इसलिए हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया कि आप लोगों का प्यार मिलने लगा। तो किसी को वीडियो बनाना है, देखिए 24 घंटे जो है फालतू में गंवा देंगे, क्या मतलब है? कुछ तो अपने लिए करिए, मत वीडियो बनाइए। घर के लोग यूट्यूब पे आपको, सोशल मीडिया पे नहीं देखना चाहते, मत बनाइए, कुछ और आप लोग काम करिए। और बहुत सारा चीज़ है, काम कोई भी कर सकती है, करिए, ऐसा नहीं है। पर अगर चार लोगों के बीच में बैठिए, बुराई करिए, किसी का चर्चा हो, ये हमको अच्छा नहीं लगता इसलिए। और
अकेले रहना हमें बहुत पसंद है, क्योंकि साथ में चलना, साथ में लोगों को लेके चलना, बहुत चले हैं, कुछ नहीं हासिल हुआ है सिवाय ठोकर के। इसलिए अब अकेले रहना चाहते हैं और अकेले पूरा रहने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जिसके साथ ना रहे, अब अगर हम उस इंसान के साथ नहीं है तब भी वो खुश रहे, कितनी अच्छी बात है ना। अगर मेरे रहने से उसको तकलीफ़ है, हमारे बात करने से उसको तकलीफ़ है, उससे दूर रहिए, अपना अकेले रहिए। तो इसी वीडियो में मोबाइल में खोए रहते हैं, कभी गाना सुनते हैं, कभी अवधि गीत गाते हैं, कभी ब्लॉगिंग करते हैं, इसी में खोए रहते हैं। और अभी शाम को 5:30 बज रहे हैं, तो शायद देख रहे हैं बच्चे के कोचिंग वाले सर जी आ गए हैं, और बच्चे लोगों के कोचिंग वाले सर जी आ गए हैं और कोचिंग करेंगे बच्चे लोग, तब तक चल रहे हैं चाय वो बनाएंगे। तो सोचे थोड़ा ब्लॉगिंग करते, बहुत दिन हो गए ब्लॉगिंग किए, और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो में आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए, आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते, वॉच टाइम हमारा बिल्कुल लो हो गया है, व्यूज भी लो हो गया है। तो आप सारे लोग बहुत प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि जहाँ तक है मेरा वीडियो अश्लीलता पे नहीं है, इतना नॉर्मल वीडियो बनाते हैं तब भी आप लोग नहीं सपोर्ट करते, बल्कि जो गंदे वीडियो बनाते हैं उनका जाके आप लोग सपोर्ट करेंगे, उनका आप लोग जो है मनोबल बढ़ाते हैं। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग जो है बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, बस इसी यही कहेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और मेरा लाइव शाम को 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे स्टार्ट होता है, मेरे लाइव से जुड़िए, बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग। और भैया लोग हैं इतना अच्छा बात करते हैं, अगर एक दिन हम लाइव नहीं आते तो मेरे वीडियो पे कमेंट आना शुरू हो जाता है, भाभी प्लीज़ लाइव आइए, भाभी प्लीज़ लाइव आइए। तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना सारे लोग चाहने वाले हैं, और क्या कहें, कुछ शब्द नहीं है, जितना आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं उसका कोई शब्द नहीं है कि हम किस शब्द से आप लोगों को धन्यवाद बोलें। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सुबह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अगर हमसे कोई गलती होती है उसके लिए सॉरी। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।